सेकेंड क्वेश्चन के अंदर सॉरी थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कम्प्लीटिंग स्क्यर कम्प्लीटिंग स्क्यर के जरिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मिड टर्म को ब्रेक किया था यानी कि फैक्टराइजेशन की थी सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम कम्प्लीटिंग स्क्यर करेंगे इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ स्टेप्स बता देती हूँ वो स्टेप्स आप लोगों ने इसी तरह याद रखने हैं सबसे पहले तो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास थी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू यानी जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोई एक कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर फिर वेरिएबल की पावर वन और साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अकेला यानी वेरिएबल की पावर ज़ीरो इज टू वेरिएबल की पावर जीरो इज इक्वल्स टू जीरो यह है क्वाडिटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अब इन क्वेश्चंस में भी सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है दूसरा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तीसरा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है चौथा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब देखें सबसे पहला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या करना है सेवन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस वन इज एकवल्स टू ज़ीरो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो x का स्क्र है उसके साथ जो भी वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट होगा उसे ख़त्म करना है यहाँ पे सेवन कांस्टेंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं सेवन के साथ ही डिवाइड करके तो मैं पूरी इक्वेशन को सेवन के साथ डिवाइड कर दूँगी सेवन एक्स स्क्र ओवर सेवन प्लस टू एक्स ओवर सेवन माइनस वन ओवर सेवन इज ईक्ल्स टू ज़ीरो अब जब इसके साथ से ख़त्म किया तो क्या रह गया एक्स का स्क्र प्लस टू ओवर सेवन एक्स माइनस वन ओवर सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो उसके बाद आपने क्या काम करना है कि इस तरफ एक्स स्क्र और एक्स वाली वैल्यू रहने देनी है जो कॉन्स्टेंट है उसे दूसरी साइड पर ले जाना है यानी राइट हैंड साइड पर ले जाना है एक्स का स्क्र प्लस टू ओवर सेवन एक्स प्लस इज इक्वल टू वन ओवर सेवन ठीक है तीसरा काम आपने ये करना है जो भी x वाली वैल्यू होगी x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसका हाफ कर लेना है x के साथ हमारे पास कांस्टेंट क्या है टू ओवर सेवन इस टू ओवर सेवन का हाफ करेंगे तो वन ओवर टू से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू टू से कैंसिल बाकी क्या रह गया वन ओवर सेवन ठीक है उस जो भी हाफ आएगा उसको दोनों साइड पे उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर लेना है हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है फिर देखें सबसे पहले आप लोगों ने जो भी एक्स स्क्र के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसे ख़त्म करना है ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा हमने तीनों को डिवाइड कर दिया वो ख़त्म हो गया उसके बाद जो अकेला कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड पर ले गए उसके बाद एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट था उसका हाफ़ कर लिया उस हाफ़ को दोनों साइड पर उसके स्क्वायर को ऐड कर लिया उसके स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है मैं इधर एक और स्टेप आप लोगों के लिए कर देती हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले वाला होता है इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस वन ओवर सेवन यानी कि दूसरी रकम वन ओवर सेवन प्लस वन ओवर सेवन का स्क्यर वैसे ही अब देखें फार्मूला कंप्लीट हो गया ए का स्क्र प्लस टू फार्मूले वाला ए इंटू बी प्लस बी का स्क्र ये फार्मूला कंप्लीट हो गया यानी एक्स स्क्र एक्स प्लस वन ओवर सेवन का स्क्यर और यहाँ पे क्या हो गया वन ओवर सेवन वन ओवर सेवन का स्क्यर लिया तो वन ओवर फोर्टी नाइन एक्स स्क्र प्लस वन ओवर सेवन होल का स्क्यर यहाँ पर एल्सीयम लिया फोटी फोर्टी नाइन और सेवन का एल्सीयम फोटी नाइन आ गया फोर्टी नाइन को सेवन पे डिवाइड किया सेवन आंसर आया उस सेवन को वन से मल्टीप्लाई करके सेवन लिख दिया यहाँ पर अब फोर्टी नाइन को फोर्टी नाइन से डिवाइड किया आंसर वन आया वन को वन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स प्लस वन ओवर सेवन वैसे ही सेवन में वन प्लस किया एट ओवर फोर्टी नाइन अब जब इतना काम कर लेंगे तो यहाँ से स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे स्क्वेयर रूट ने स्क्वेयर को कैंसिल किया x प्लस वन ओवर सेवन और यहाँ पे क्या आ गया टू की एट की फैक्टराइजेशन कर लेनी है एक, एट ऐट की फैक्टराइजेशन क्या होती है टू क्रॉस टू क्रॉस टू, क्रौस टू. टू क्रॉस टू क्रॉस टू और फोर्टी नाइन की क्या होती है सेवन क्रॉस सेवन अब जब हम इसको स्क्र रूट के अंदर लिखेंगे टू क्रॉस टू की पावर टू ओवर सेवन की पावर टू ये भी स्क्यर रूट के अंदर ये भी स्क्र रूट के अंदर इस स्टेप को मैं सॉल्व कर रही हूँ ये टू स्क्र रूट के अंदर ही रहेगा ये टू बाहर आ जाएगा स्क्र और स्क्र रूट कैंसिल टू स्क्र रूट टू ओवर सेवन तो ये लिख लिया बेटा जब भी आप लोगों ने यहाँ से स्क्योर रूट खत्म करना है आंसर्स आपके दो आने हैं एक प्लस में और एक माइनस में इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं प्लस वाला मैंने अलग लिख लिया और माइनस वाला अलग से लिख लिया ठीक है अब एक्स वैसे ही प्लस वन ओवर सेवन इधर आके माइनस का वन ओवर सेवन हो गया यहाँ पे प्लस वन ओवर सेवन यहाँ आके माइनस का हो गया फ़र्क दोनों में क्या है यहाँ पे हमने प्लस वाला फैक्टर लिया और यहाँ पे हमने माइनस वाला फैक्टर ले लिया एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो माइनस वन प्लस टू स्केयर रूट टू और यहाँ पे माइनस वन प्लस वन प्लस टू स्क्र रूट टू ठीक है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं एक सोलूशन सेट दोनों का अलग अलग लिख दिया एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ दूसरी चीज हमने क्या करनी है इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा माइनस वन दोनों के साथ है यहाँ पे प्लस कट कर... हाँ जी यहां से देखें माइनस टू स्क्वेयर रूट माइनस टू ओवर सेवन इन दोनों का एलसीएम लिया सेवन एलसीएम आ गया माइनस वन वैसे ही माइनस टू स्क्र रूट टू वैसे ही अब ये एक तरीका तो ये हो गया कि इन दोनों को अलग अलग सोल्यूशन सेट में लिख लें दरमियान में कोमा डाल लें दूसरा सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा कि इकट्ठे लिख लें माइनस वन दोनों के पास है माइनस वन लिख लिया इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है प्लस माइनस दोनों लिख लिया टू स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाय सेवन ये इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं अगर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछें और आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि हर सब्जेक्ट के टेस्ट होने हैं टेस्ट लिए जाएंगे आप लोगों से जितना जितना आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा है परसों से इंशाल्लाह आप लोगों के उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इस वजह से काम जो है वो साथ साथ करें